हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा क्लासेस में। तो आइए आज आप बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में, झारखंड फिजिक्स के बारे में। तो सिलेबस आपका 6 पार्ट में डिवाइड है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्चुअली हमने इसको 11th और 12th में जैसा पढ़ रखा था उसी बेसिस पे देखना है। 11th का जो पोर्शन हमारा था मैकेनिक्स था, थर्मल था और वेव एंड ऑसिलेशन, ये हो गया था 11th का पोर्शन। तो यही हमारा यहाँ पे पार्ट 1 में क्लासीफाई है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा था, और यहाँ से इलेक्ट्रो स्टैटिस्टिक देखा था, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में देखा रखा था। और इसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। कंफर्म यहाँ तक का? तो ये पोर्शन हमारे पास क्लास 12th में हमें मिला था। तो हमें क्लास 12th के हिसाब से ही देखना है। एक्चुअली क्लास 12th वाला जो पोर्शन है अभी हमने पढ़ रखा है, आप सबने देखा होगा अपने हिसाब से। मतलब 11th और 12th, मतलब बेसिक तो हमारा यही है 11th और 12th के हिसाब से। तो आप सबने, बहुत सारे लोगों ने कुछ बेसिक बुक्स पढ़ रखी होंगी, उसको आप साथ में रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और बात करते हैं जो अभी देखना है हमें, जो अभी एक जिसको गो थ्रू होना है, वो है एनसीईआरटी वाला पोर्शन। क्या है एनसीईआरटी? एक्चुअली देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 3 पार्ट यहाँ पे भी डिवाइड है। और नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स, और थर्ड पोर्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और लॉजिक गेट भी इंक्लूड है इसके अंदर, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में लॉजिक गेट, और काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं इसको। हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं इसको 6 पार्ट में डिवाइड करके। और जैसा कि सिलेबस भी हमने पढ़ रखा था, इसको पार्ट 1 करते हैं। इसको पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं और इसको पार्ट 2 पढ़ते हैं, हो जाएगा 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स, थर्मल और वेव ऑसिलेशन एक साथ, और सेकंड ये दोनों चलते रहेंगे। मतलब पार्ट 1 भी चलेगा, पार्ट 2 भी चलेगा, दोनों के वीडियो आते रहेंगे। आपको ऐप पे मिल रहे हैं सारे क्लासेस, हो जाएगा। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेस लेके चलना है, वो चलना है हमें कुछ ऐसा। पहले तो एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी और एचसी वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एचसी वर्मा, एनसीईआरटी एकदम अच्छे से देखना है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करिएगा, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि पीजीटी जो है आपका कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल पूछता है, तो मान के चलिए 65 से 70% जो रहता है हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, और प्लस जो 30 to 35 जो बचता है वो रहता है हमारे पास में न्यूमेरिकल। कंफर्म ना? तो आइए देखते हैं इसमें करना क्या। एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से पढ़नी है ना? इसके कॉन्सेप्चुअल पोर्शन बहुत अच्छे से देखना है। और एससी वर्मा, एससी वर्मा में क्या करना है कि हमारे पास 2 पोर्शन में मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। तो कॉन्सेप्ट फिजिक्स में 2 पोर्शन कौन कौन से हैं? एक तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन मिलता है और एक्सरसाइज मिलता है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है ना? वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। बाकी एक्सरसाइज में जितना हो पाए, बहुत लंबे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। कन्फर्म ना? तो आइए आज स्टार्ट करते हैं, इसी में से एक पार्ट सेकेंड में से एक पोर्शन ले लेते हैं। तो आपकी आपकी फर्स्ट क्लास होगी इसके लिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, आज देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला अगर टॉपिक हम देखें तो क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक था, मतलब जो यहाँ भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहला पोर्शन पढ़ना था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म था पहली यूनिट हमारे पास में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मींस क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। ये क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट होते हैं। तो जो चार्ज होते हैं, चार्ज एट रेस्ट, है ना? तो चार्ज एट रेस्ट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, है ना? उनके बीच में लगने वाला पोटेंशियल, इन्हीं के बारे में बात करते हैं।
एक्चुअली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट आया था ये दिया था, थैल्स, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, होप सो, ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर, और इनका नाम था थैल्स, थैल्स ऑफ मिलेट्स। तो थैल्स ऑफ मिलेट्स ने सबसे पहले देखा कि जो एम्बर होता है वो अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा था, उन्होंने एबोनाइट देखा था, मैग्नेटाइट भी देखा था, ये सारे क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। तो यहां था जैसे मैंने थैल्स ऑफ मिलेट्स, इन्होंने देखा था, एक्चुअली ये ग्रीक फिलोसफर थे, थैल्स ऑफ मिलेट्स ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने देखा सबसे पहले, अगर फिनोमेना किसी ने डिस्कवर किया अराउंड 600 BC, इन्होंने देखा कि जो एम्बर है या मैग्नेटाइट है ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे एट रेस्ट पोजिशन पे, स्टैटिक में, कन्फर्म ना, चार्ज एट मोशन, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ओके ना। तो अब यहाँ पे क्या था, तो इन्होंने बोला कि जो चार्ज है, अब चार्ज होता क्या है, मतलब चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रहे हैं, तो ये होता क्या है, चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, अब तो कन्फर्म हो गया कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्ज इन रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, जो रुके हुए चार्ज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और चार्ज, कन्फर्म ना। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक सिटी होती है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं, तो पहले तो देखते हैं चार्ज है क्या यहाँ पे, ओके ना। तो जरा देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चार्ज, तो चार्ज क्या है, चार्ज, तो चार्ज होता क्या है, यहाँ पे चार्ज हमने देखा, अगर कोई बॉडी है, बॉडी हमेशा कैसी होती है, एक्चुअली बोला क्या गया था कि जो मास होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज वो बगैर मास के पॉसिबल नहीं है रहना, पर मास कैसे रह सकता है, विदाउट चार्ज रह सकता है, चार्ज मतलब होता क्या है, मतलब जब भी इम्बैलेंस आ जाता है ना, वो क्या हो सकता है, इम्बैलेंस मतलब जो नेट चार्ज होता है, नेट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो कोई भी एलिमेंट है, अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट लिया है ना, हमने उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर दिए, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर थ्रो कर दिया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गया है ना, हमने क्या किया, दिया, अरे सिंपल सी बात, किसी को उधार देते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, लेने वाला नेगेटिव हो जाता है, मतलब जो यहां से रिलीज किया इसने, ये कैसा हो गया है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, यही पढ़ा था ना, कन्फर्म। तो अब क्या है, यहाँ पे अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, कन्फर्म। तो हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, और इसका नेचर कैसा होता है, ये चार्ज होता है स्केलर होता है, स्केलर इन नेचर होता है, कन्फर्म ना। तो अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज की होती क्या है इसकी, तो हमें यहां पे देखा कि इनकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, चार्ज कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। ये क्वांटाइज्ड मतलब क्या है, जितना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक जितना हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही है। मतलब क्या है, अगर किसी भी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, अभी हमने बात की ना, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर यहाँ पे ई माइनस चला गया और यहाँ पे आ गया, तो हुआ क्या कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, देन इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या रिसीव होंगे, मतलब या तो निकल जाएंगे या तो वापस आ जाएंगे, ये कैसे होंगे, हमेशा इंटीग्रल नंबर में होंगे, हमेशा एक दो तीन चार पाँच ही जाएगा, उसमें से आधा या 1/2 या हाफ इलेक्ट्रॉन्स, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाने वाला है, कन्फर्म ना। तो यहाँ हम देख लेते हैं ये इनका नेचर कैसा होता है, ये कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं,
क्वांटाइज होते हैं, है ना। और होता क्या है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल्स एन ई, और ये क्या होता है प्लस माइनस होता है, क्या होता है प्लस माइनस, प्लस किस लिए होता हो जाएगा। चलिए प्लस नेक्स्ट होता देखिए, है मतलब इफ एस इज अ स्पीसीज रिचनेस, ए इज एरिया, जेड इज अ स्लोप ऑफ लाइन, और नेगेटिव कब होगा जब चार्ज एक्सेप्ट हो रहा है, नेगेटिव नंबर ऑफ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्म कंफर्म, यहां तक का कोई डाउट तो नहीं। और होता क्या है, यहां पे जो हमारे पास में है ये चार्ज होता है, और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक मिनट, यहां पे हमने लिया q इक्वल्स प्लस माइनस एन ई का टर्म लिया, यहां पे क्या है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10 to power minus का 19 हो जाएगा, 10 to power minus का 19 कंफर्म। अब ये क्या है, ये जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं कैसे, अब हमने बात की ना कि चार्ज कैसा हो सकता है, ये हमेशा n कैसा है, n इंटीग्रल नंबर है, इंटीग्रल है, कंफर्म ना। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है q क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, कश्मीर टैग, कश्मीर स्टैग भी है, मैंने आपको हंगुल के बारे में बताया था, याद है, डी ही आएगा इसका आंसर, डी ही आएगा, ठीक है, हंगुल याद करिए, कश्मीरी स्टैग के बारे में बताया था, हंगुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं यहां तक का। तो अब क्या हो जाएगा, 1 कूलम होता क्या है, 1 कूलम को हम कैसे डिफाइन कर देंगे, तो 1 कूलम में होता 1 एंपियर और फॉर 1 सेकंड, कंफर्म 1 एंपियर फॉर, यहां पे अगर हम बात करें तो ये होता है 1 एंपियर और इनटू 1 सेकंड होता है, है ना। अब अगर बात कर लेते हैं सबसे छोटी यूनिट मतलब सीजीएस में बात कर लेते हैं, तो सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ESU, means ये ESU क्या है, ESU, है ना, तो ESU है क्या, ESU सबसे छोटी यूनिट आती है, ये आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती कितनी है, तो 1 कूलम इक्वल्स होता है 3 इनटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ईएसयू को हम यहां पे लेके आते हैं, इसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम बोलते हैं, कंफर्म ये क्या हो जाता है, स्टैट कूलम, या क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन, है ना। तो सबसे छोटी यूनिट की बात की जाए तो सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी सेट्स कूलॉम हो जाएगी, फ्रैंकलिन हो जाएगा। तो जरा देख लेते हैं 1 कूलॉम इक्वल्स हाउ मच ईएसयू और सेट्स कूलॉम, कंफर्म ना। तो यहां पे देखते हैं ये हो जाएगा 1 कूलॉम इक्वल्स 1 कूलॉम इक्वल्स होता है 3 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा, स्टैट्स कूलॉम और फ्रैंकलिन हो जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं यहां तक का, हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं, ये एक और आती है, इसके बाद एक यूनिट आती है इसकी, ई एम यू, क्या आता है, ई एम यू, ये EMU है क्या, EMU जो है ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है ना, हो जाएगा, राइटिंग कंफर्म हो रही है ना, चलिए ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात कर लेते हैं, तो ये होता क्या है, हमने बात की कि रिलेशन देख लेते हैं इनके बीच में, तो हमने बोला कि 1 कूलॉम इक्वस 3 इंटू 10 टू पावर 9 ई एस यू, या ये क्या होता है 1 द पावर 10th, 1 अपॉन 10th, ये क्या होता है
EMU के इक्वल होती है। कंफर्म ना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? 100%, वेरी गुड। अगर हम अब बात करते हैं सबसे बड़ी यूनिट की, बात कर लेते हैं सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है यहाँ पे हमारे पास में, कैपेसिटर होता ना। तो हम क्या करते हैं, पंखे में छोटा सा लगता है, आगे आने वाला टॉपिक है ना। तो पंखे में होता है चार्ज स्टोर्ड, कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर्ड चार्ज का काम करता है। कहाँ कहाँ लगा होता है, तो सबसे अच्छा घर में एग्जाम्पल है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सब में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे इजिली विजुअल हो जाएगा आपको, पहला तो पंखे के अंदर, दूसरा आपके हाथ में जो फोन है ना। फोन में कैसे, फोन में जो फ्लैश लाइट जलती है और कैपेसिटर की हेल्प से जलती है। ये करते क्या है, ये चार्ज को स्टोर करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। तो कभी देखा है उसको कि कितने कूलोम का कैपेसिटर लगा रहे हैं? नहीं ना, वो फैरेड में रहता है। और किस में रहता है, माइक्रो फैरेड के टर्म पे रहता है। माइक्रो फैरेड हमने देखा 1.5 माइक्रो फैरेड ऐसा देखा है। तो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है चार्ज की वो फैरेड होती है। फैरेड कितनी होती है, तो हमने देखा 1 फैरेड इक्वस क्या हो जाएगा, 1 फैरेड इक्वस होता है 96500। हाँ एक बार लोग इसको चेक कर लीजिएगा, शायद 96500 कूलोम है ना, कंफर्म। 1 फैरेड इक्वस कितना होता है, 96500 हो जाएगा। एक मिनट, इसको ये क्या है, यहां अभी क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा फैरेड हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 96500 कूलोम्ब, कंफर्म ना। अभी हमने क्या देखा, 1 कूलोम्ब इक्वल 3×10^9 ESU के टर्म पे देखा हमने, और ये क्या था, 1/10 पार्ट ऑफ EMU था। और यहाँ भी क्या है, सबसे अगर बिगेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे ESU को जो लिख सकते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी है ना। अगर ESU की बात करते हैं तो ये कैसी थी, सबसे स्मॉलेस्ट थी, ये कैसी थी, स्मॉलेस्ट थी, और ये कैसी है, बिगेस्ट है ना। तो कंफर्म, यहां तक का कोई डाउट तो नहीं, चलिए आ जाते हैं। अब क्या होता है, यहां पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये चार्ज कैसे होते हैं है ना, ये कैसे होते हैं, ये अब तो चार्जिंग की बात होती है सर, चार्ज कैसे होते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हम देखते हैं यहां पे, मेथड ऑफ चार्जिंग में यहां पे हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, ओके ना। तो मेथड ऑफ चार्जिंग कैसे हो सकती है, क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले तो देखते हैं सबसे इजी काम होता है सर, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, अगर हम किसी चीज को रगड़ें तो रगड़ने में क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंफर्म ना। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं बाई फ्रिक्शन है ना, बाई फ्रिक्शन, और दूसरा क्या होता है, कंडक्शन, और तीसरा क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा ना। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हमने देखा जब भी हम किसी बॉडी को आपस में रब करते हैं तो कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे हमने देखा था, पढ़ा था इबोनाइट रॉड है ना, बालों में जब रब करते हैं तो हेयर कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इबोनाइट रॉड कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो आप एक काम करिएगा, एक इसको नोट भी कर लीजिएगा, कौन से मटेरियल जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, कौन से नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, लाइक हेयर हो गया, वूल हो गया, वूलन क्लॉथ हो गया है ना, ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। एबोनाइट रॉड वगैरह, ये सारी ग्लास रॉड वगैरह कैसे जाती हैं, नेगेटिवली चार्ज कैरी कर रही होती हैं, कन्फर्म ना। एक इनकी पूरी लिस्ट बनाइए जितना हो सके, मतलब एक बार कुछ हैं 5-6 के आसपास हैं, इनको नोट कर जाइए, क्योंकि ये डायरेक्टली भी पूछे आते हैं कौन सा इसमें से गिवन मटेरियल जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, कौन सा नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, कन्फर्म ना। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन तो कन्फर्म हो गया हमारे पास में, कि अगर हम दो बॉडी को रब करेंगे तो हमेशा कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा है ना। तो ये क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी अगर फ्रिक्शन के थ्रू हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देता है ना। तो एक कंफर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें हमने क्या बोला था, अगर ट्रांसफर होगा तो कैसे होंगे,
हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इक्वल्स n को फॉलो करेगा, कंफर्म। तो जरा देखते हैं q इक्वल्स n को अगर फॉलो कर रहा है, हमने देखा अगर कोई बॉडी है जो कि आफ्टर रबिंग कितनी चार्ज हो गई, चलो एक काम करते हैं 4.8 माइक्रो कूलॉम चार्ज हो गई, है ना, 8 माइक्रो कूलॉम चार्ज हो गई, है ना, इफ एनी बॉडी चार्ज, तो उसमें हमें चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, यही ना। तो हमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड देयर, कंफर्म ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ क्यू इक्वल्स क्या आ रहा है, 4.8 हो जा रहा है माइक्रो कूलॉम, ये क्यू में आ गया, क्यू किस में आता है, कूलॉम में आता है, माइक्रो है तो इसको जरा हम कन्वर्ट कर देते हैं कूलॉम में, तो यहाँ 4 मतलब माइक्रो मीन्स 10^-6 इक्वल्स क्यू हो गया। अब वैल्यू क्या है, हमें एन निकालना है, तो एन इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस है तो इसको प्लस ही रखते हैं यहाँ पे, ये ठीक ना, प्लस का चार्ज है इंटू 10^-6 अपॉन ई की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10^-19, गॉट इट ना। तो ये क्या हो जाएगा 16, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 = 48 हो जाएगा, कंफर्म ना, 16 × 3 = 48। ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये 6 है, ये जो है ये क्या है 6 है, 10^-6 यहाँ हो जाएगा 3 इंटू, ये ऊपर जाएगा 10^-6 और यहाँ पे 10^+19, ये क्या हो जाएगा 3 × 10^13। तो यहाँ n इक्वल्स क्या हो गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यहाँ पे 3 × 10^13 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कंफर्म। चार्ज कैसा था, यहाँ पॉजिटिव था, मतलब क्या है, ये गए हैं, ये क्या कि इन्होंने बॉडी को लीव कर दिया, छोड़ दिया है, कंफर्म ना, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक का, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी इसमें, तो बहुत ही बेसिक रहेगा और हम हो जाएगा, तो इसको आप लोग देखते रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन क्या है कि जब भी एक चार्ज बॉडी लेके आए, एक कैसे लेके आए, चार्ज बॉडी लेके आए, है ना, एक चार्ज बॉडी, माना इस पे प्लस क्यू चार्ज था, है ना, पॉइंट चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज मतलब होता क्या है, पॉइंट चार्ज मतलब होता है एक ऐसा चार्ज जिसका ना खुद का कुछ स्पेसिफिक एरिया हो ना वॉल्यूम हो, कन्फर्म ना। तो यहाँ क्या हो जाए, चार्ज बॉडी लेके आए और इसको एक्चुअल कॉन्टेक्ट में रख दिए किसी के, तो क्या हो जाएगा, ये दो बॉडी हैं, अगर इस पे हमारे पास में ये Q1 था और यहाँ पे Q2 था, है ना, तो अब इनके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल लेंगे इसका, यहाँ हो जाएगा Q1+Q2/2 का ऑर्डर, कन्फर्म ना। इसके बाद आता है इंडक्शन का पोर्शन आता है। इंडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे अगर इंडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, इंडक्शन मतलब क्या होता है, विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट, विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट, कंफर्म ना। अगर एक बॉडी को ले आए, मतलब एक चार्ज बॉडी रही, कैसी बॉडी रही, चार्ज बॉडी रही, हो जाएगा ना, एक चार्ज बॉडी ले आए और एक अनचार्ज बॉडी थी, है ना, ये चार्ज बॉडी कैसी है, सपोज दैट ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये क्या कर देगी, इसको भी चार्ज कर देगी, इसके जो पार्टिकल्स रहेंगे ये क्या कर देंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे आप। अब इस पे कैसा आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गया, ये सब क्या कहते हैं, इसे चार्ज बाई इंडक्शन बोलते हैं, कंफर्म ना। तो यहां कैसे होता है, जो इंड्यूस चार्ज होता है हमेशा ऑपोजिट नेचर का होता है जो चार्ज हम लेके आ रहे होते हैं, कंफर्म ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, अब यहां पे अगर हम बात करें, जो चार्ज हो रहे होते हैं ये हमेशा कैसे हो सकता है, लेसर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी जो इंड्यूस चार्ज रहेगा उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, कंफर्म ना। कैसे, तो इसकी जो हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लेते हैं, इसकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं वो अगर हम बात करें क्यू की, तो यहाँ हो जाएगा -Q, अगर यहाँ पे दो बॉडी Q1 और Q2 लिया था,
चलो क्यू डबल डैश ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, क्यू डबल डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमेशा क्यू डबल डैश हो जाएगा वन माइनस का वन बाई के, यहाँ क्या हो जाएगा वन माइनस का वन बाई के टर्म पे आता है। आई ने बात समझे, ये क्या है के क्या है, तो के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक यहाँ के क्या है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कंफर्म ना, कोई डाउट तो नहीं यहां तक का। और वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म पे होता है, नाइन इंटू टेन पावर नाइन होता है, कंफर्म ना। चलिए उसको आगे देखते हैं, अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे के क्या हो सकता है, यहां पे एक पॉइंट नोट कर लेना हमें, जो के होता है, के मीन्स डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर मेटल, के फॉर ऑल मेटल, ये कैसा होता है, ये इनफिनाइट होता है, और फॉर एयर, फॉर एयर क्या होता है वन होता है, तो ये मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम इनफिनाइट के टर्म पे जा सकता है, हो जाएगा। मतलब एयर और वैक्यूम के लिए हमेशा कैसा रहता है, ये मिनिमम रहता है, हो जाएगा, और मैक्सिमम किसके लिए हो जाएगा, फॉर द मेटल। तो अगर कभी क्वेश्चन आए यहाँ पे, जैसे हमने अगर बात की, सपोज दैट एक कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, ले लेते हैं सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, 4.8 है, माइक्रो कूलॉम उसके ऊपर चार्ज है ना, उसको एक अनचार्ज बॉडी Q2 के पास ले जाया गया, तो हमें देखना उस पर शेयर्ड चार्ज कितना जाएगा, यही ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब माइनस, यहाँ पे Q है माइनस Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस का वन बाई के का टर्म, यहाँ पे के क्या है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो हो जाएगा, वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हमें क्या पता है 4.8 है, माइनस का 4.8 कूलॉम माइक्रो कूलॉम का टर्म, मतलब क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल सी बात ये रही कि जो भी चार्ज, अगर मेटल की कंडीशन पे अगर हम बात करें, अगर मेटल कंडीशन बात करें, तो जो भी चार्ज रहेगा अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो क्या करेगा, जो इंड्यूस मतलब जो इंडक्शन फोर्स लगेगा, मतलब चार्ज जो कर रहे हैं बाई इंडक्शन, तो उसमें क्या होगा, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज उतने ही इक्वल अमाउंट में हो जाएगी, कन्फर्म ना। तो कैसे देखते हैं, यही ना, अगर हमने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी एफिशिएंसी या इसकी कैपेसिटी अगर हमने बात की 4.8 माइक्रो कूलॉम है, और ये दूसरे बॉडी के पास गया यहाँ पे घूमते हुए, और ये जैसे इसके पास जाएगा, इसके पास कैसा है, ये न्यूट्रल है, इसके पास खुद का कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, बॉडी बैलेंस स्टेट में होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होता है प्रोटॉन, बोथ आर इक्वल होते ना, तो क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल स्टेट में होती है, ये क्या करेगा पोलराइज कर देगा, ये पॉजिटिव वाले सारे इधर आ जाएंगे यहाँ पे, और ये माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये जो माइनस आ रहेगा इसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या रहेगी, इसी के इक्वल, मतलब इसके इक्वल एंड अपोजिट, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते सारे के सारे, कन्फर्म ना। तो हमेशा क्या हो जाएगा कि जो इंड्यूस चार्ज रहेगा और जो अदर चार्ज रहेगा, अदर बॉडी चार्ज रहेगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, इसके ऑपोजिट रहेगा, है ना, सीधा सा यहां तक रखते हैं। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, बात कर लेंगे कूलॉम्स लॉ, किसकी बात करेंगे कूलॉम्स लॉ, है ना, कूलॉम्स लॉ और गॉस के बारे में बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर अगली क्लास में, ओके टिल देन सी यू, टेक केयर, और रिवाइज करते रहिए।